लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैमरा सेटिंग्स की, कैमरा फीचर्स की। तो गाइस वीडियो के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस हम अपने फोन का कैमरा ओपन कर लेते हैं। कैमरा ओपन करने के बाद गाइस ये हमारे फोन का कैमरे का लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। अभी ये फ्रंट कैमरा ऑन है तो गाइस यहाँ से इसको हम बैक कैमरा कर लेते हैं। अब गाइस इसकी सारी सेटिंग्स आप देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए। पोर्ट्रेट से स्टार्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपका पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाता है। ये गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पोर्ट्रेट मोड कुछ ऐसा काम करता है कि आपका बैकग्राउंड जो है थोड़ा DSLR की तरह ब्लर हो जाता है। तो यहाँ से आप HDR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको फिल्टर, ब्यूटी और बूके इफेक्ट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपको बूके रखना है, कितना रखना है, इस तरीके से ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो यहाँ से इसको हम ऑफ करते हैं और फोटो पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे ये हमारा फोटो है। फोटो के अंदर गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जूम मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जूम कर सकते हैं, फिल्टर मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपको फिल्टर दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिल्टर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, आइसलैंड कर सकते हैं, जो भी हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको गूगल का सर्च देखने को मिल जाता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप गूगल मतलब कोई भी चीज़ स्कैन करेंगे तो गाइस उसमें क्या है कि आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर फोटो लेके, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, गूगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिलता है, आप उसको सर्च करेंगे और आपको यहाँ पे जो है ये सर्च करके बता देगा फोटो के माध्यम से कि ये चीज़ ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लैश देखने को मिल जाती है तो आप अपनी फ्लैश लाइट को यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको HDR मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपकी सेटिंग्स मिल जाती है, यहाँ से आपको फ्रेमिंग लाइन्स मिल जाएंगी, यहाँ से काउंट डाउन टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम का 4:3 है, आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो आपको 16:9 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका जो फ्रेम है वो फुल भी हो जाएगा तो पूरी स्क्रीन पर आपका कैमरा कैमरा आ जाएगा। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपकी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। शूटर साउंड्स आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और लोकेशन को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मिलर सेल्फी, आपकी सेल्फी मिलर हो रही है, ठीक है, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। वाटर मार्क, शूटर साउंड, ठीक है। और पोर्ट्रेट, AI मोड्स, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ से इसके बाद वीडियो बना सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इसके अंदर भी आपको फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं देखने को। मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 MP का आपका मोड मिल जाएगा। पैनोरमा, लाइव फोटो, स्लोमो, टाइम लैप्स, प्रो मोड, AR स्टिकर्स, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको कैमरा की सारी सेटिंग समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।